हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूं गुरु आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है मैं गाड़ी पे शूट नहीं कर रहा हूं। प्लीज़ सभी से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि एक दो दिन के लिए गुरु हम लोगों को ड्राइवरों को टाइम मिलता है कहीं आने का जाने का। सो हम आए हुए हैं आज एक बारात में, एक रिश्तेदार में कनेक्शन में थोड़ी बारात है। तो अभी रात के बज रहे हैं गुरु 10:30 और 10:30 बजे ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। कल गाड़ी पर पहुँच जाएंगे और गाड़ी भी गुरु इंदौर की भरी जा रही है, वही अपना आलू है पुराना वाला जो आप लोगों ने देखा हुआ। चलिए दोस्तों, यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है गुरु। जयमाला प्रोग्राम है और रिश्तेदार की कनेक्शन की शादी है, सब कुछ आपको दिखाएंगे बेहतरीन वाला। तो बने रहिए कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में। तो भाई, जिस क्षेत्र में हम आए हुए हैं, ये मेरे स्क्रीन पर आपको जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये धूल मिट्टी के कण हैं गुरु। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कितनी भयंकर धूल है, ये देखिए। और ये भी हमारे गाँव से हमारे साथ आए हुए हैं प्रिय मित्र श्री अरविंद सिंह। और आगे चलते हैं गुरु अपनी अपाचे बाइक जो खड़ी हुई है। बाकी ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, सारी गाड़ियां एकदम बारात की हैं और सब एकदम गुरु लाइन से लगी हुई हैं। और मिस्टेक ये है गुरु कि एक ही गांव में लगता है डबल बारात है, तो जानने में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी किसकी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं गाड़ी तरफ। और ये एक और हमारा भाई खड़ा हुआ है धर्मवीर सिंह यादव, और वो खड़ी अपनी वैगनार जो ये लोग लेके आए हुए हैं शादी में। अपने यहीं से गुरु उझाने आपने देखा है, उधर से ही करके लाए इसको। तो भाई ये हुई अपनी गाड़ी स्टार्ट और अपन चले अभी आगे आगे। और ये चिल्लड़ पार्टी भी आई हुई है मजा लेने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये चिल्लड़ पार्टी है, बड़े मजे मजे से आई है गांव में। अभी देखो इनकी हालत, और अभी 1.5 घंटा गुरु और लगना अभी, क्योंकि अभी तो हम रास्ते में ही जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं गाँव में कैसा भयंकर रास्ता होता है गुरु। तो भाई, जैसे ही हम पहुंचे खाना खाने, वहाँ देखा हमने कि हमारी चिल्लड़ पार्टी लगी हुई है, साथ में हमारे ये भाई साहब भी इधर लगे हुए हैं। और खाना बहुत ही अच्छा था गुरु, ये हमारा कोटमैन इधर खा रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से पूरी प्लेटें अलेटें साफ करने के बाद सीधे निकले बाहर की तरफ। भाई खाना पीना खाने के बाद हम आए सीधे अपनी गाड़ी के पास, और अभी हम निकलने की सोच रहे हैं क्योंकि धर्मवीर भाई को भी थोड़ी जल्दी है। और ये हमारी चिल्लर पार्टी, ये इधर घूम रही है खा पी के, इसको यही पता नहीं किधर जाना किधर नहीं। और ये खड़ी अपनी बाइक गुरु जिससे अपन आए थे, और ये गाड़ी से गांव वाला भाई आए थे जिसकी ये कनेक्शन में शादी थी, तो अपने भी आए हुए थे एक रिश्तेदारी में, तो वहीं से हो गए सम्मिलित। अरविंद भाई ने भी बहुत माल खींचा, तो इसका भी जो थोड़ा पेट है बाहर आ गया, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं भाई। और भाई अगले की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, बाकी जो भी खाना पीना सब व्यवस्था ठीक ठाक थी। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है गुरु हमारी, और अंदर अरविंद भाई ने भी अपनी बाइक संभाल ली, और ये चिल्लड़ पार्टी भी हमारे साथ घुसी, कोटमैन भी आए। तो गुरु सारा सब कुछ हो चुका था और हमारी घर निकलने की बारी थी। उसके बाद हम लोग निकले गाड़ी लेके, और सामने आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता था, ऐसा लग रहा था कि भूतिया रास्ता है, जैसे पूरे खंडर वगैरह। दोस्तों ये जिधर जगह पड़ी हुई थी मैंने आपको दिखाया, उधर ज़मीन ज़्यादा है और गांव से बाहर का मामला था गुरु। तो हम लोग सीधे निकले गाड़ी लेकर, और आगे आगे हमारा चला गया अरविंद भाई बाइक, वो देखो दिख रही है। उसके बाद हम इधर आ गए रोड पर, और अब दोस्तों रोड जो था एकदम मक्खन मलाई होने वाला था, जहाँ की गाड़ी एकदम सपकते हुए चल रही थी, और बिल्कुल ही मस्त चाल में हम लोग बाइक अरविंद आगे ले गया और धर्मवीर आगे बैठा हुआ था। ड्राइवर भी बहुत बढ़िया था हमारा, स्टाफ का आदमी बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। रात के बज चुके थे गुरु ये, क्योंकि बारात में हम लोग जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन रास्ता अभी भी ऐसा था कि उस पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं था। और ये हमारा कोटमैन इधर अभी तक हमने देखा तो जाग रहा था, आँखें एकदम दिखा रहा था। और इन लोगों ने भाई, ये छोटी जो चिल्लड़ पार्टी, इनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इनको पता ही नहीं था अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये लोग इधर ही गिर पड़े एकदम। तो गुरु अब चलते चलते हमारा आ चुका था उसे, जहाँ की ड्राइवर ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर दी थी, क्योंकि उसको भी घर जाना था और उसे भी नींद आ रही थी, तो बोला जल्दी जल्दी चलो भैया घर पहुँचते हैं, उसके बाद में देखते हैं कुछ भी। तो हम लोग ये आ गए उसे, और ये उसे का कस्बा है गुरु, छोटा सा ही कस्बा है ये, आप लोगों ने पिछले जो ब्लॉग हैं हमारे उनमें देखा होगा, यहाँ ये सारी बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी, और रात के बज चुके थे गुरु 1।
तो फाइनली ब्लॉग जहां एंड करने वाले थे गुरु, तो अभी आ चुके थे गांव में, और गांव में आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी पतली गली है, और ये बच्चे लोग इधर ही पूरा सो गए, पूरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने चाउमीन वगैरह कुछ ज़्यादा ही खा लिए दोस्तों। कोर्टमैन अभी जाग रहा था, क्योंकि कोर्टमैन अभी भी आँखें खोले हुए था, पर आधी आधी आँखें उसने खोली हुई थी। तो चलते चलते अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के नज़दीक, जहाँ गुरु अपनी गाड़ी रुकने वाली है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकी, ये अपना डॉगी अपने पास आ गया देसी, इन्होंने रात में ही पहचान लिया, वो भी बिगर आवाज़ दिए हुए। उसके बाद ये चिल्लड़ पार्टी सो रहे थे इसमें, इसको थोड़ा उठाते वक्त टाइम लगा, और उसके बाद ड्राइवर ने हमारा मोबाइल हमको दिया, और हम निकले सीधे अपने घेर की तरफ, जहाँ की अरविंद ने बाइक पहले से ही खड़ी कर दी थी। तो इधर गुरु पूरा अंधेरा था, लाइट आ रही थी नहीं आ रही थी पता नहीं, और ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, इसको कल लेके जाना है सीतापुर, और ये अपने इधर लाके बाइक खड़ी कर दी। उसके बाद हमारा एक डॉगी है जर्मन शेफर्ड, उसने आवाज़ सुनी तो वो एकदम उछलने कूदने लगा, और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मानता है गुरु ये। उसके बाद गुरु इसे मैंने अपनी चारपाई के साथ में एकदम बांध दिया, और ये रही मेरी चारपाई, जो कि बिस्तर मेरा लगा हुआ था, पापा लेटे थे, वो चले गए घर, और मैं चुपचाप जाके यहाँ आराम से सो गया।